गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 संज्ञा। आराध्य व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे ना। देखिए संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव या दशा का नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोई भी किसी भी चीज वस्तु का या व्यक्ति या कोई जाति, स्थान कोई किसी जगह का नाम या दशा, ये सब क्या होते हैं, संज्ञा बताते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये है लड़का, लड़की, खरगोश, शेर, ये क्या है, प्राणी है ना, जिन चीज़ों में जान होती है वो प्राणी कहलाते हैं, तो ये संज्ञा होती है। वस्तु, वस्तुएं होती हैं, साइकिल है, गुब्बारा, जूता, कार, ये क्या सब क्या है, वस्तुएं हैं, तो ये भी संज्ञा है। कोई स्थान, स्थान क्या होते हैं, वो भी संज्ञा होते हैं। ऐसे पार्क है, मंदिर है, मस्जिद है, किसी शहर का नाम है, तो ये सब संज्ञा कहलाते हैं। भाव या दशा से सुंदरता है, बचपन, सुख, वीरता, ये सब क्या है, संज्ञा है। इन सभी के नाम अलग अलग हैं व्याकरण में, नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द चित्रों में संबंधित रिक्त स्थान भरिए। देखिए ये क्या है, पेड़ है ना, किसकी डैश अधिक है, इन पेड़ों में से किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई पूछेंगे ना, क्योंकि लंबाई थोड़ी होगी, इसमें ऊंचाई भरा जाएगा। ये इन शब्दों में से भरना है, ऊंचाई, आयु, कमल, मिठास, इन चारों में से इनको भरना है। तो किसकी डैश अधिक है, ऊंचाई, ऊंचाई अधिक है। अब किसकी डैश कम है, क्या कम है, आयु, इसकी आयु ज़्यादा, इसकी कम है, तो आयु कम है, ये छोटा है तो इसकी आयु कम हुई। ये डैश का फूल है, किसका फूल है, कमल है, तो कमल का फूल है। ये सभी शब्द क्या है, संज्ञा है। आम डैश के कारण खाया जाता है, किसके कारण खाया जाता है, मिठास के कारण खाया जाता है ना। देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने भेद होते हैं, देखिए जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितने भेद होते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीन तरह के भेद होते हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, गुड़िया, मोर, लड़का, आम, केला, संतरा, मंदिर, मस्जिद, शेर, हिरण, विद्यालय, शिक्षक, मेज, कुर्सी आदि सब क्या होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा होती है ना। मनुष्य, पुरुष, पशु, पक्षी, ये सब क्या है, जातिवाचक में आते हैं। पशु चार पैर वाले जंतुओं की संपूर्ण जाति का नाम है। घोड़ा पशु जाति के एक वर्ग का नाम है, इस नाम से घोड़ों की संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसी प्रकार अन्य पशु अपनी अपनी जाति से संबंध रखते हैं ना। जैसे घोड़ा जो है वो अपनी घोड़े की जाति से रखता है, और भी बहुत से पशु होते हैं जो अपनी अपनी जाति से संबंध रखते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब पक्षी पंख और चोंच वाले दो पैर के प्राणियों की संपूर्ण जाति का नाम होता है। तोता, कौवा आदि विभिन्न पक्षियों की विभिन्न जातियाँ होती हैं, मतलब जो दो पैर वाले होते हैं और पंख वाले होते हैं वो भी संज्ञा में आते हैं, लेकिन इनकी जाति अलग होती है ना, तो ये भी संज्ञा में ही आते हैं। मनुष्य कैसे सभी विवेकशील प्राणियों जैसे स्त्री, पुरुष, बालक आदि सबका बोध होता है। इस प्रकार पुरुष शब्द से संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष शब्द से संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ नाम संज्ञा अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ऐसे नंबर 2 है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष प्राणी होता है या वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, मथुरा, भारत, लखनऊ, विवेकानंद, चेतक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए जैसे ताजमहल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी,
ये इनकी अपनी पहचान है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय, हिमालय की अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, हरिद्वार, रामचरितमानस, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ताजमहल एक विशेष इमारत है ना। महात्मा गांधी क्या है, एक नाम विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये विशेष व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय जो है, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है ना, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आता है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। हरिद्वार एक स्थान विशेष का नाम है, ये भी शहर का नाम है, एक स्थान है जो तीर्थ है, तो ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। रामचरितमानस एक विशेष पवित्र पुस्तक है, ये भी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ये विशेष नाम है सारे ना। अब है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए लड़का जो है जातिवाचक है, ये मतलब किसी को लड़का होने का बोध कराता है, या लड़की, ये भी मतलब किसी की लड़की होने का बोध कराती है। आदमी, ये भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो अब ये लड़का है तो लड़के का नाम क्या होगा, डेविड। जैसे लड़के का नाम डेविड है तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। डेविड, श्वेता लड़की का नाम हो गया तो श्वेता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हरिश्चंद्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, घोड़ा, घोड़ा जाति का नाम हो गया ना, घोड़े की जाति हो गई। स्थान, इमारत, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, इसमें घोड़ा, घोड़े का नाम हुआ, जैसे चेतक घोड़े का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ये किसी एक व्यक्ति का ही होगा ना, तो चेतक एक ही घोड़े का नाम होगा। अब स्थान, स्थान क्या, मेरठ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक एक ही जगह का नाम है ना, मेरठ, सब जगह नाम तो मेरठ नहीं होगा, सब स्थानों का अलग अलग नाम होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गए। इमारत, बहुत सी इमारतें होती हैं, जैसे लाल किला है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लाल किला एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जिस नंबर 3 है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, पीड़ा, बचपन, हरियाली, सुंदरता, हर्ष, शोक, शत्रुता, क्रोध आदि, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा सब पर आता है, तो बुढ़ापा क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तो बुराई और अच्छाई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। अमित की लंबाई सुमित से कम है, तो इसमें लंबाई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, बुढ़ापा बूढ़े होने के भाव का नाम है। इसी प्रकार बुराई, अच्छाई और लंबाई भी ऐसी ऐसे ही भाव हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, ये हम कैसे बना सकते हैं भाववाचक संज्ञाएं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, जैसे ये शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द दिए हमारे बच्चा, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा में आ गया। भला, भला का क्या हो गया, भलाई, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अच्छा, अच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, अच्छाई। बूढ़ा का क्या बन गई, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ईमानदार, ईमानदार की भाववाचक संज्ञा बन गई, ईमानदारी। लड़का, लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, लड़कपन। बुरा का, बुराई। प्रसन्न का, प्रसन्नता, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। वीर का, वीरता। उदास का, उदासी, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ गए। ये सब भाववाचक संज्ञा में आ गए ना। तो आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछेंगे। इसकी आगे ये एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।